नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट स्काउटिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्काउट यूनिफॉर्म के बारे में। स्काउट यूनिफॉर्म में माइनर से अपडेट है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चले शुरू करते हैं। तो स्काउट मूवमेंट में डिसिप्लिन लाइफ को इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो इसी डिसिप्लिन के लिए स्काउट यूनिफॉर्म का होना ज़रूरी है, जो कि सभी स्काउट्स के भीतर एक फीलिंग ऑफ इक्वलिटी पैदा करता है। इसके अलावा स्काउट यूनिफॉर्म जो पहनते हैं, जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो अपने कलीग्स फ्रेंड्स की केयर करते हैं, और जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उनमें एक डिसिप्लिन दिखाई देता है। तो इसी के लिए स्काउट का यूनिफॉर्म है और डिसिप्लिन लाइफ के लिए ये ज़रूरी है, तो इसी के बारे में अपडेट है। मेन पार्ट की तरफ मुड़ने से पहले हम एक विषय पे चर्चा करेंगे, वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो डे टू डे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है हमारी लाइफ में। वो प्लास्टिक अब हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम डेली से यूज़ करते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें मौजूद रहती है। प्लास्टिक के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। फिलहाल अभी प्लास्टिक की समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है पूरे विश्व में। प्लास्टिक की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन फैल चुका है। तो पहले हम इसके एडवांटेजेस जान लेते हैं। प्लास्टिक का फर्स्ट एडवांटेज है, वो चीप है, इसके अलावा यूजर फ्रेंडली है, इसके अलावा वो ड्यूरेबल है। बिसाइड्स दिस इसके डिसएडवांटेजेस भी है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। ये जो प्लास्टिक है वो नॉन डिग्रेडेबल है। अगर हम उसको रख देते हैं कहीं जगह पे तो वो सालों के लिए वही विदाउट एनी डिग्रेडेशन रहेगा और वैसा ही पड़ा रहेगा। इसी की वजह से जो यूज़ किया हुआ प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत बहुत बड़ी मात्रा में अभी प्रेजेंट है। इसे अगर हम पानी में डंप कर दे तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है, अगर हम इसे ज़मीन में गाड़ दे तो लैंड पोल्यूशन हो जाता है, अगर हम इसे जला दे तो एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो इसे आप कुछ नहीं कर सकते, इसे जला भी नहीं सकते, पानी में भी फेंक नहीं सकते और दफना भी नहीं सकते। तो ये बहुत ही डेंजरस है और आने वाले दिनों में इसके पहाड़ दिखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये प्लास्टिक का गार्बेज है, हम देखते इधर उधर पड़ा रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम फूड प्रोडक्ट्स प्लास्टिक की बैग में परचेस कर लेते हैं, उसके बाद हम प्लास्टिक की वो बैग फेंक देते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो खाना ढूंढते हुए आते हैं और इस प्लास्टिक बैग को चबा जाते हैं, ऐसा ढेर सारा प्लास्टिक उनके पेट में जमा होता है, उसके बाद वो बीमार पड़ जाते हैं या मर जाते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि इसके पेट, इस एनिमल के पेट से ढेर सारा प्लास्टिक निकला। तो ये जो है एनिमल्स के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो इस पे सॉल्यूशन क्या है? क्या हम प्लास्टिक को बैन कर सकते हैं? नहीं, ये वायबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक अब हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हो चुका है, तो इसे हम बैन नहीं कर सकते। तो दूसरा एक ऑप्शन है 3R का फॉर्मूला, जो फेमस फॉर्मूला है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। रिड्यूस में हमें इसका यूज़ रिड्यूस करना है, जितना हो सकता है इसका यूज़ हमें रिड्यूस करना है, कम करना है। इसके बाद जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं उसे बार बार रीयूज़ करना है, जब तक उसे यूज़ कर सकते हैं उसको रीयूज़ करना है। उसके बाद है रिसाइकल, जो प्लास्टिक हम फेंक देते हैं उसे रिसाइकल करके फिर उसे यूज़ करना है। ये 3R का फॉर्मूला बेस्ट फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि आज का पार्ट है। क्या आपको पता है स्काउट का पांचवा नियम कौन सा है? क्या आपको पता है स्काउट का फिफ्थ लॉ क्या है? कि स्काउट का पांचवा नियम कहता है कि अ स्काउट और गाइड इज ए फ्रेंड टू एनिमल्स एंड लव्स नेचर। आई रिपीट, अ स्काउट और गाइड इज अ फ्रेंड टू एनिमल्स एंड लव्स नेचर। जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं वो इस फिफ्थ लॉ को वायलेट करता है। फ्रेंड टू एनिमल्स, जो कि मैंने बताया अभी कि प्लास्टिक जो है वो एनिमल खा जाते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। तो स्काउट जो है वो एनिमल्स का फ्रेंड है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। और सेकंड जो है, सेकंड पार्ट है फिफ्थ लॉ का, कि लव्स नेचर, मतलब अगर हम प्लास्टिक को एनवायरनमेंट में फेंक दे तो पोल्यूशन बढ़ जाता है, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है। तो जो प्लास्टिक है फिफ्थ स्काउट लॉ को वायलेट करता है। अब हम बढ़ते हैं जो आज का टॉपिक है, कि स्काउट यूनिफॉर्म में कौन सा अपडेट है। तो हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, जो सर्कुलर है उसे देखते हैं। ये देखो, ये दी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 28/2018, और इसका डेट है 16th मार्च 2018।
और इसका सब्जेक्ट कहता है कि अर्थ आर 2018 गिव अप प्लास्टिक। अर्थ आर के बारे में आपको पता नहीं तो वो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। और आपका मुझे पता नहीं लेकिन 23 मार्च को रात को 8:30 से 9:30 बजे के बीच हमने हमारे घर की सभी लाइटें बंद रखी थी और हमने अर्थ आवर सेलिब्रेट किया था। इसी अर्थ आवर को मनाने के लिए हमने भी एक संकल्प लिया है, गिव अप प्लास्टिक। तो इसके अंडर जो स्काउट और गाइड्स है वो जो प्लास्टिक का यूज है वो कम करेंगे, डेली लाइफ में जितना कम कर सकते हैं करिए, पर्यावरण को बचाइए, एनवायरमेंट को बचाइए। इसके अलावा जो यूनिफॉर्म के बारे में दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि हम जो स्कार्प और वॉगल पहनते हैं जो कि स्काउट होने की निशानी है और स्काउट यूनिफॉर्म का महत्वपूर्ण भाग है, उसमें से जो वॉगल होता है वो हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों से बनाते हैं, जैसे कि मेटल वॉगल, प्लास्टिक वॉगल, रोप का वॉगल, ग्लास का वॉगल। ये जो वॉगल होते हैं उसमें से जो प्लास्टिक के वॉगल है जो सभी बहुत सारे स्काउट पहनते हैं क्योंकि वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है, चीप है। हम में से बहुत सारे स्काउट प्लास्टिक के वॉगल पहनते हैं जो इजी अवेलेबल है, उस पे अच्छी डिजाइन होती है, उस पे हम देखते हैं कि एम्ब्लेम लगा हुआ होता है द भारत स्काउट गाइड का। तो ये जो वॉगल है वो हमें इसी गिव अप प्लास्टिक के अंडर गिव अप करना है और हमें इसके जगह नया इको फ्रेंडली वॉगल बना के यूज करना है। और इसे हम बना सकते हैं क्लॉथ से, रोप से या ऑर्गेनिक मटेरियल से जो कि हमारे इको फ्रेंडली वॉगल बनाने के काम आ सकता है। तो हमें प्लास्टिक का वॉगल गिव अप करना है, ये इम्पोर्टेंट अपडेट था स्काउट यूनिफॉर्म का। तो इसकी जगह हमें यूज करना है इको फ्रेंडली वॉगल। तो ये जो इको फ्रेंडली वॉगल हम बनाने वाले हैं और उसे यूज करने वाले हैं अपने स्काउट के यूनिफॉर्म में, आप अपने हर एक सहयोगी स्काउट को बताइए कि प्लास्टिक का वॉगल पहनना नहीं है, अभी से सिर्फ और सिर्फ इको फ्रेंडली वॉगल पहनना है। तो ये था स्काउट यूनिफॉर्म का इम्पोर्टेंट अपडेट। यदि आपको पता होगा कि इको फ्रेंडली वॉगल कैसे बनाते हैं तो आपके बनाए हुए वॉगल का फोटो निकाल के मेरे ट्विटर पेज पे शेयर कीजिए। जो अच्छा वॉगल बनाएगा, क्रिएटिव वॉगल बनाएगा, उसे मैं देने वाला हूँ एक गिफ्ट। तो आप फेसबुक और ट्विटर पे मुझे फॉलो कीजिए, मेरे पेज पे जो इको फ्रेंडली वॉगल बना है उसे शेयर कीजिए, उसका फोटो शेयर कीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही स्काउट के बारे में आने वाले अपडेट्स को जानने के लिए मेरे चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप अपने स्काउट के व्हाट्सएप ग्रुप पे ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी स्काउट और गाइड को ये यूनिफॉर्म के अपडेट पता चले। प्लास्टिक का यूज कम कीजिए और अपने मदर अर्थ को बचाने के काम आइए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, गिव अप प्लास्टिक।